गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। हम लोग इंग्लिश टाइम आपकी जो बुक है उसमें सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, श्री अरबिंदोस चाइल्डहुड। इसके दो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे, आज हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। वेरी लिटिल इज नोन अबाउट श्री अरबिंदोस चाइल्डहुड डेज। श्री अरबिंद के बचपन के दिनों के बारे में बहुत कम पता है, बट ओकेजनली इन अ रेमिनिसेंट वेन, लेकिन कभी कभी अपने पुराने टाइम को याद करते हुए, ही वुड मेंशन सम ऑफ द इंसिडेंट्स दैट हैव सर्वाइव्ड। उन्होंने वो सारी घटनाओं का वर्णन किया है जो उन्होंने जिया था अपने जीवन में, उनके बारे में वो बताते थे। वन इंसिडेंट कंसर्न्स राजनारायण, श्री अरबिंदोस ग्रैंडफादर। एक जो घटना है वो राजनारायण के बारे में है, श्री अरबिंदो के दादाजी के बारे में। अरबिंदो अलोंग विद हिज टू ब्रदर्स यूज्ड टू विजिट हिज हाउस। तो अरबिंद अपने दो भाइयों के साथ उनके घर पर जाया करते थे, और घर कहाँ था उनका, एट देवघर ड्यूरिंग देयर हॉलीडेज। अपने घर छुट्टियों के दौरान वो देवघर जाया करते थे अपने दादाजी के घर पर। वन इवनिंग दे वेंट फॉर अ स्ट्रॉल विद हिज ग्रैंडफादर। एक शाम को अपने पिताजी के साथ चहलकदमी करने के लिए जा रहे थे, टहलने के लिए। एज दे वेंट अहेड मैरिली एट देयर ओन पेस, जब वो अपनी गति से आगे आगे खुशी के साथ चलते रहे, दे फॉरगॉट ऑल अबाउट हिम, तो वो अरविंद के बारे में सब कुछ भूल गए। सडनली दे लुक्ड बैक, अचानक से उन्होंने पीछे देखा, एंड फाउंड हिम नोवेयर, और अरविंद को उन्होंने कहीं नहीं देख पाए वो इन साइट, दृश्य में नहीं दिखे अरविंद कहीं पर भी। देर आर नॉट अ सोल टू बी सीन इन द डार्कनेस, अंधेरे में कोई भी आत्मा नहीं दिखाई देती है। रिट्रैक्टिंग देयर स्टेप्स दे बिगेन टू शाउट, और अपने कदम वापस पीछे लेते, यानी वापस पीछे भागना शुरू किया उन्होंने, और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। एंड व्हेन दे फाउंड हिम दे सा दैट ही वाज स्लीपिंग इन अ स्टैंडिंग पोजीशन, और जब उन्होंने उसको देखा तो देखा, उन्होंने पाया कि वो तो सोते हुए खड़े खड़े ही सो रहे थे। हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस वर वेरिड, उनके जो बचपन के अनुभव थे बिल्कुल अलग अलग प्रकार के थे। श्री अरबिंदो अलोंग विद हिज टू ब्रदर्स वाज सेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज, अपने दो भाइयों के साथ श्री अरबिंद को इंग्लैंड भेजा गया पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। वेर स्टेड फॉर द नेक्स्ट 14 ईयर्स फ्रॉम 1879 टू 1893, जहाँ वो अगले 14 साल तक 1879 से 1893 तक रुके रहे। द फर्स्ट 5 ईयर्स वर स्पेंट एट मैनचेस्टर, पहले 5 साल मैनचेस्टर में बिताए गए। द नेक्स्ट 6 इन लंदन, अगले 6 साल लंदन में बिताए गए। एंड द लास्ट 3 मोस्टली एट कैम्ब्रिज, और अंत के 3 वर्ष जो थे कैम्ब्रिज में बिताए गए। आगे चलते हैं हम लोग। Once he went to England, जब वो इंग्लैंड चले गए, his life changed to a great extent, उनका जीवन बहुत बड़े स्तर पर बदल गया। During his entire stay, अपने पूरे वहाँ रहने के दौरान, he was virtually cut off from his motherland, वो अपनी मातृभूमि से यानी भारत से बिल्कुल पूरी तरह से वास्तविकता से कट गए थे। The only contact being through occasional letters, newspapers and a few acquaintances at Cambridge, केवल संपर्क का कुछ साधन बचे थे, जैसे कि ओकेजनल लेटर्स, कुछ पत्र वो लिखते थे अपने पेरेंट्स को, और न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे, वहाँ से उनको समझ में आता था। एंड अ फ्यू एक्विंटेंसेस एट कैम्ब्रिज, और उनके कुछ जानकार थे जान पहचान वाले कैम्ब्रिज में, उनसे वो बातें करके चीज़ें पता करते थे। एट सच ही ग्रू अप इन एंटायर इग्नोरेंस ऑफ इंडिया, इस तरह से वो भारत के बारे में इग्नोरेंस यानी हम बोल सकते हैं कि अज्ञानता रखते हुए बड़े हुए। हर पीपल, हर रिलीजन एंड हर कल्चर, और भारत के लोगों के बारे में, भारत की धर्म के बारे में और यहाँ की संस्कृति के बारे में उनको बिल्कुल भी पता नहीं था। हाउएवर हिज लव फॉर हिज मदरलैंड वॉज डीपली रूटेड इन हिम, लेकिन फिर भी अपनी मातृभूमि के प्रति उनका जो प्यार था बहुत गहरे से समाया हुआ था। एंड एट द डेस्टाइंड आवर इट बर्स्ट इनटू फ्लेम, और एक निश्चित समय के ऊपर जो कि पहले से निर्धारित था, यह ज्वाला बनकर बाहर फट पड़ा। यानी उनको अपने सब कुछ, अपने देश के बारे में, अपनी धर्म के बारे में सब कुछ पता चल गया सही टाइम पर। श्री अरबिंदो नॉट ओनली प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्ट्राइव फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस, श्री अरबिंद ने भारत की स्वतंत्रता के लिए न केवल एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया, बट ऑल्सो इंस्पायर्ड मैनी पीपल टू इवॉल्व स्पिरिचुअली, लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रेरित भी किया कि वो आध्यात्मिकता में शामिल हो, आध्यात्मिकता को अपने जीवन में उतारें। एंड यूज योगा एज ए मीन्स ऑफ गेटिंग कनेक्टेड टू गॉड, और वो योग को ईश्वर से जुड़ने में, भगवान से जुड़ने में एक साधन के रूप में इस्तेमाल करें, ऐसा उन्होंने लोगों को सिखाया। हिज फिलोसफी एंड स्पिरिचुअल बिलीफ्स आर फॉलोड एंड रिस्पेक्टेड बाय मेनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इवन टूडे,
आज भी संसार के बहुत सारे लोगों के द्वारा उनका जो दर्शन है, फिलॉसफी है और स्पिरिचुअल बिलीफ्स यानी आध्यात्मिक मान्यताएं हैं, उनको बहुत सारे लोगों द्वारा फॉलो किया जाता है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में करेंगे। आज आप लोग इसके हार्ड वर्ड्स लिखिए, उसका मीनिंग लिखिए और उसको लर्न कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।